हाय गाइस, वेलकम टू माय नेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबके गर्मी के कपड़े बाहर आ चुके हो, सर्दियों के अंदर बेड के अंदर, किसी के अलमीरा के अंदर, किसी के ट्रंक के अंदर जा चुके होंगे। लेकिन मेरे अभी सब यहीं पर है, मैं आपको अपना मेस दिखाती हूँ। टन टन, ये इसीलिए है क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने अपना जो सरोजनी से लिया था उसका जो मेरा शूट था वो थोड़ा सा पेंडिंग था, तो फिर मैंने सोचा कि सर्दियों के कपड़े रखने से पहले क्यों ना जो मैंने सरोजनी से बाय किया उसका एक वीडियो बना के फटाफट से पोस्ट कर दिया जाए। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मक्खी दंग रही है तो स्टार्ट कर। तो आपको पता चल गया होगा कि और कितना शोर करती हूँ, ये होगा कि आज का वीडियो किससे रिलेटेड होने वाला है। जी हाँ, आज का वीडियो रिलेटेड होने वाला है तो शायद एक या दो महीना पहले मैंने पोस्ट किया था अपना सरोजनी नगर का होल वीडियो, जो मतलब ब्लॉग वाला जो मेरा सरोजनी नगर का था वो शूट किया था। और आज मैं करने वाली हूँ सरोजनी नगर का होल कि मैंने वहाँ से क्या क्या बाय किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बाय किया था ये वाली जो मैंने डाली हुई है, ये आपको दिख जाएगा, ये शाइनी सा था ऐसा कुछ है ना, और ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर था और पाया हुआ तो आपको दिखेगा कि ये कैसा लग रहा है। बट स्टिल फुल लुक के लिए मैं यहाँ पर ना एक वीडियो अटैच कर दूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाला जो टॉप है वो मुझे कैसा कैरी लग रहा है। मैंने इसको कैरी किया था ब्लैक जीन के साथ, बट मैंने वहाँ से एक स्कर्ट भी बाय की थी जो मैंने इसी के साथ कैरी किया, वो क्या थी, ब्लैक बेसिक पे ना ऐसे स्काई ब्लू कलर के चेक थे जो कि मैंने अभी वियर की हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। Yes, I think you can see. I hope आपको दिखा होगा, प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना मैं इसको, ठीक है, दिख रहा होगा। आई थिंक ऐसे ना ब्लैक बेस पे स्काई ब्लू कलर का चेक है और ये उसके साथ ना बिल्कुल के साथ प्रॉपर मैच हो रहा था। मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं लिया था कि हाँ मैंने इसकी स्कर्ट लिया तो इसके साथ की टॉप लेनी है, बस मुझे पसंद आया मैंने उठा लिया। बट जब मैंने घर आकर देखा तो हाँ ये प्रॉपर अच्छे से मैच हो रहा था। और अब बात करते हैं सेकेंड की, तो सेकेंड भी थोड़ा सा स्काई ब्लू, जिसे इसको बोलते हैं आइस ब्लू, राइट तो ये कुछ ऐसा है, ये भी वूलन का है, बहुत गर्म है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका कलर, इसका फैब्रिक। और ये मुझे आई थिंक, यस पहले मैं प्राइस बता देती हूँ, ये वाली जो टॉप थी ये मुझे मिली थी आई थिंक 200 की, एंड ये वाली जो स्कर्ट थी 150 की, एंड ये वाली जो टॉप थी वो भी आई थिंक मैंने ली थी 150 के अराउंड, यस 150 के अराउंड, राइट। और मैं यहाँ पे ना वीडियोज़ अटैच करती हूँ ताकि आपको दिख जाए। और अगर प्लीज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट। देख देख के भाग जाते हो, लाइक कोई भी नहीं करता, एक मक्खी ने भी आज तंग किया हुआ। तो जो नेक्स्ट चीज़ थी जो मैंने बाय की थी सरोजनी नगर से वो थी ये ग्रे कलर की वुलन की टॉप, और इसके यहाँ पर ऐसे ना साइड में छोटा सा स्लिट है, लाइक आप इसको स्मॉल जैसे कुर्ती होती है ना, और इसकी लेंथ भी थोड़ी काफ़ी थोड़ी नहीं, आई थिंक काफ़ी अच्छी है इसकी लेंथ भी, और प्रॉपर पूरा ये वॉर्म है, बहुत अच्छा मिला मुझे ये भी। आई थिंक मैंने स्काई ब्लू और ग्रे टॉप दोनों एक ही शॉप से लिए थे, एक ही स्टोर से लिए थे, 150 के थे वो भी, वन स्काई ब्लू वाली भी 150 की थी और ये वाली भी थी जो 150 की ही थी, सेम प्राइस था। नेक्स्ट में मैंने बाय की थी ये फर में है, ये यू कैन सी, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये ना देखना कितना बड़ा साइज़ है मेरे से, मेरे जैसी दो आ जाएंगी इसके अंदर। मैंने सोचा था मैं इसको ओवर साइज़ करके डालूंगी बट ये कुछ ज़्यादा ही ओवर साइज़ आ गई, टेंटन है, बट डालने में ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को घर पे वहाँ पे तो ऐसे वो पीछे से क्लिप्स लगा देते हैं, लगता है अच्छा ये भी मुझे आ जाएगा, ये भी मुझे हैंगर में डाल देते हैं कुछ भी होते हो फिर पीछे क्लिप लगाते हैं तो वो ऐसे स्लिम सी पतली सी लगते हैं, मुझे लगता है ये भी मुझे आ जाएगा, वो भी मुझे आ जाएगा, सारी ड्रेस मेरे नाप के मुझे आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर ट्राई भी नहीं कर सकते हम, है ना। वहाँ पे देखना मुझे ऐसे था कि अच्छा बस दे दो, बस पॉलिथीन में पा के सिर्फ दे देते हैं, वैसे ले जो है। और फिर जब मैंने इसको घर आके देखा ना तो ये बहुत ज़्यादा खुली थी, फिर मम्मी कहती तेरी जैसी दो तीन आज हूँ नहीं हाई इसमें, बट मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, ओवर साइज़ का ज़माना है। फिर मैंने इसको डाल के दिखाया, मम्मी कह रही हाँ अच्छी लग रही है, यहाँ पर डालिए ना आप भी बताना कि ये वाली जो ओवर साइज़ है ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है। अगर बेकार लग रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बेकार लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, मम्मी से फिटिंग करा लेंगे इसको थोड़ी सी काट पीट करके, मेरी मम्मी वैसे ही फैशन डिज़ाइनर है मेरी। तो चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, राइट। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने वहाँ से ली थी, जो क्यों निकल रहा है यार, ये ब्रेसिस की वजह से ना बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करो, गलतियाँ मत दिखा करो, ठीक है। तो ना जो वहाँ से मैंने नेक्स्ट चीज़ बाय की थी वो थी ये,
पेंटन एंड मफलर जो कि बहुत गर्म है, और पता है कितने का है? गैस करो कितने का होगा, गैस 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 करो कितने का होगा, मात्र 50 रुपए, ओनली ₹50। कैन यू बिलीव दिस, ₹50 में आपको इतना अच्छा स्टाइलिश, और ये ना प्योर वूल का है देखना, मतलब हाथ से बनाया हुआ नहीं होता जो, वैसा है, बहुत अच्छा है। आई लव दिस। अब मैं वेट करूँगी कि दोबारा सर्दी आए और फिर मैं इसको डाल के जाऊँगी, फिर इसको स्टाइल करेंगे। चलो फिर इसी से ही मिलता जुलता, वहीं से जहाँ पे ये मफलर की स्टॉल थी ना, वहाँ से मैंने 2 उठाए, क्योंकि वो एक तो दे रहे नहीं थे, कहते 100 रुपये के 2 ही लेने हैं। तो उसके बाद है ये क्रीम कलर नहीं बोल सकते इसको, तो ये है बीच कलर बोलेंगे ना इसको, हाँ उस कलर का है। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, स्टफ़ मैं आपको दिखाती हूँ, वॉर्म है इसका स्टफ़, बहुत ज़्यादा गर्म है और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। आई लाइक दिस। 100 रुपये में 2 मफलर, और क्या चाहिए भगवान से। तो उसके बाद अब बात करते हैं इस स्कर्ट की, मिनी स्कर्ट है ये, दिख रही है, आई होप सो। हाँ तो ये वाली जो मिनी स्कर्ट है ये मैंने ली थी 150 या 200 की, ऐसे ही ली थी, अब मुझे ध्यान नहीं है, तब लिया था ना, 2 ली थी, एक ये और एक ये वाली। पहले इसके बारे में बात करते हैं, तो ये स्ट्रेच है, स्ट्रेचेबल है, मतलब देख सकते हो, और ये बट मेरी नहीं है, ये मैंने हरगुन को दिलाई, हरगुन नहीं यार, कंचू को दिलाई थी, उसकी आई, बट मैंने बोला कि मुझे एक बार दिखाना है, वीडियो बनानी है मुझे कि क्या क्या लेकर आया, तो इसलिए मैं उसको उठा कर ले आई। और ये पानी में बहुत अच्छी लग रही थी, मैं थोड़ी सी इसमें मोटी लग रही थी, बट कंचू के ऊपर ये बहुत लगती है, मतलब ये इसको इग्नोर कर देना। तो फिर अब बात करते हैं इसकी, उसका जो स्टफ़ था ना वो वूलन में था, बट इसका जो स्टफ़ है ना वो जो डेनिम वाला स्टफ़ होता है वो वाला है इसका जो स्टफ़, और इसके पीछे ऐसे जिप की डिटेलिंग है, प्लस यहाँ पर ना इलास्टिक भी है, मतलब अगर मोटा बंदा थोड़ा सा पाएगा तो उसको आ जाएगा। ये भी कंचू की है, क्योंकि मैं स्कर्ट्स ये वाली ऐसी वियर नहीं करती हूँ, बट ये भी मैं ले आई थी कि मुझे एक बार वीडियो शूट करनी। और एक ड्रेस हमने ली थी, तो उसने कहा था कि मासी ये वाली ड्रेस मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि उसे रिसेंटली किसी फंक्शन में डाली थी, वो भी ड्रेस हमने ली थी 200 की। और यस दैट्स इट। नहीं ये तो रह गई, रुको ये मैंने अभी डाला था ना तो ये उल्टी हो रखी, इसको सीधा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब उतनी पैर रखने की जगह नहीं थी, बट ना जैसे बाहर डमीज पे नहीं टंगा देते हैं, तो वहाँ पर ना ये वाली टॉप लगी थी, मैंने कहा यार ये देखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मैं यही वाला टॉप देख के शॉप के अंदर गई। और ये है ज़ारा का ड्यूप्स, जो कि मैंने मिला, मुझे मिला है सिर्फ 250 रुपये में, टेंटन है भालू वाला टॉप, टेंटन है। इसके यहाँ पर ऐसा है, ये मेहरून सा, इसमें आई थिंक आपको रेड दिख रहा होगा थोड़ा सा, वो लाइटनिंग और उसकी वजह से वो लाइट जल रही है ना, रिंग लाइट जल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, बट ये ना डार्क मरून शेड का है, और इतना वॉर्म है ये, बहुत अच्छा है, आई लव दिस। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, और क्या बताओगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे मेरे चैनल का प्रेस बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, तो पीछे से भाई सब शोर बहुत है। और हरगुन आ चुकी है, हरगुन को क्या चाहिए, हरगुन को चिज्जी चाहिए, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि हम हरगुन को चिज्जी दिलाने जा रहे हैं। अच्छा फ्लाइंग किस कर दे ऐसे, दोबारा कर दो ऐसे। तो अभी हम हरगुन को ना चिज्जी दिलाने जा रहे हैं, और हरगुन बोल दे, सभी बोलो, सभी सारे मासी के चैनल को लाइक करो, करो, समझ में आ गई बात, हरगुन भी कह रही है कि मासी के चैनल को लाइक करो, मतलब सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो बोलो बाय, आई लव इसको चीजें क्यों हो रही है, अच्छा बच बोल दो फिर चीजें दिला के लाऊंगी, आई बोल आई, अच्छा फ्लाइंग किस कर दे, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस नहीं।